प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मौर्योत्तर भारत। एक ऐसी सीरीज है जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि यह सीरीज आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी जितना अन्य विषय का होता है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, एक बार की सीरीज को पूरा आपने पढ़ लिया, साथ ही साथ इसका एक नोट्स बना लिया, जीवन में आपके किसी भी भर्ती परीक्षा में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। लेकिन आप सब अपना बेस्ट देते रहिएगा। चलिए चलते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, इन्हें शुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में उपलब्ध है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, एकदम इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर होगा मनुस्मृति। ये सबसे प्राचीन स्मृति है, इसकी रचनाकार मनु माने जाते हैं। कल हमने इसके बारे में अंतिम प्रश्न व्याख्या किया था। इसकी रचना का समय अगर देखा जाए तो 184 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। मतलब यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है वो आपका बी राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके मन में कभी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है जी हाँ। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पुष्यमित्र जो था वो ब्राह्मणवादी था, वो 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराया था, और मनुस्मृति की जो रचना होती पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है। संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान इसी काल की देन है। शुंग वंश ने अपने शासकों को विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बना। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश का निर्माताओं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप सब रेस के घोड़े हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर होगा शुंग। मौर्य के ठीक बाद शुंग राजवंश के शासक ने शासन किया। यह अभी पर मैंने 184-185 ईसा पूर्व से लेकर ये कब तक थे, ये 149 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश के नाम से इसकी स्थापना की, ठीक है। चलते हैं और आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया, तो शुंग वंश था, जो मैंने अभी ऊपर जिसकी मैंने चर्चा की, ठीक। अगला गौतमी पुत्र, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अगर हम सातवाहन की बात करें तो मत्स्य तथा वायुपुराण में सातवाहन ग्रंथ को आंध्र भ्रंत या आंध्र सातवाहन कहा गया है। यह राजवंश लगभग 300 सालों तक शासन किया है, ठीक। और इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, डी। सातवाहनों ने दक्कन के मध्य भाग पर शासन किया। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण थी जो गोदावरी नदी के किनारे था। इनका मूल निवास महाराष्ट्र के औरंगाबाद में था। शिमुक सातकर्णी फर्स्ट, हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलवामी यज्ञश्री सातकर्णी के प्रमुख शासन थे। शिमुक इस वंश का संस्थापक था। कौन? शिमुक। शिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जी हाँ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। एक बात यहाँ से आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा शिमुक के बारे में। लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। ये कौन सा? 23वां
और सबसे महान शासक था। उसने अपने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया, 36 शासकों को दर्प से चूर्ण किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माँ वलसरी के नासिक प्रशस्ति से मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक प्रश्न आता है कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कुषाण वंश की संस्थापना किसने की थी। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक विम करिफिसिस को माना जाता है। जी हाँ, सबसे पहले कुजुल करिफिसिस नामक कुषाण ने शासन किया, इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, शुंग वंश, अभी तो ऊपर मैंने बता दिया था। ठीक है, वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा। अगला, सात वाहनों के अधिकार अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से कमेंट कर बताएं। जो सातवाहन वंश के लोग थे, अधिकतर सिक्के किसके मिले, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। सातवाहनों ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे वो शीशे के थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले, इनमें पोटीन, तांबे, कांसे, मुद्राओं के निर्माण के भी साक्ष्य मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो शीशे के मिले। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं, वो आपकी मेहनत से मिलेगी। भले इस वीडियो को शेयर मत करिए, मत लाइक करिए, मत सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ, ईमानदारी से पूरा पढ़िएगा। शक संवंत 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है, वो क्या प्रकट करता है बताइए। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो इस बात का जवाब जरूर देंगे। देखिए, शक के बारे में थोड़ी बात आपको जरूर बताना चाहूंगा। यूनानी आक्रमण के बाद भारत पर शक जाति का आक्रमण हुआ। शक जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे, चरागाह की खोज में धीरे धीरे भारत आए। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सीथियन भी कहा जाता है शक को। ये पांच शाखाएं थी, लेकिन भारत में दो शाखाएं उत्तरी छत्रपक और पश्चिमी छत्रपक नाम से आई थी। तो अगर हम इनकी बात करें, यूनानियों का प्रभाव भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा रहा। शकों का कनिष्क शासन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कनिष्क शासन। आइए जानते हैं इस कनिष्क शासन का संबंध कैसे बना है, आपको क्या यहां से महत्वपूर्ण था। यहां पे हमने देखा कुषाण शासक कनिष्क संवत का प्रवर्तक था, कुषाण शासक कनिष्क का प्रवर्तक था। कनिष्क इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। ये क्या है, कनिष्क के राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है, इस शक संवत ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे ग्रहण किया, जो हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना देरी किए आप लोग इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और तब तक अपना बेस्ट देंगे जब तक कि आपको सिलेक्शन ना मिल जाए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें आपको ऐसा बता दूँ जो परीक्षा में आपके लिए सहयोगी भी होंगे। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क जो शक विजयों के बाद भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को एक आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया, ये सालिवाहन संवत भी इसे कहते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है, ठीक। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, एक प्रश्न आता है कि सर ये विक्रम संवत क्या है, आइए मैं विक्रम संवत की भी बात कर लेता हूँ। सभी लोग इसको लिख लीजिएगा अलग से, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर
ये विक्रम संवत मुझे नहीं पता। देखिए विक्रम संवत जो था ये 58 ईसा पूर्व था, ठीक है। ये मालवा के शासक, मालवा के जो शासक थे, विक्रमादित्य के द्वारा उज्जैनी पर शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चलाया गया, इसे मालवा संवत के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो शक है ये एनोडामनी होता है, इसे एडी कहते हैं। क्या कहते हैं? 78 AD कहते हैं। फिर कलचूरी संबंध आता है, गुप्त संबंध आता है, हर्ष संबंध आता है। देखिए हर्ष संबंध के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये 606 ईस्वी में आता है हर्ष संबंध, जो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा राज्यारोहण के समय प्रारंभ की गई थी। हिजरी संबंध ये भी आप याद रखिएगा, ये परीक्षा वाले प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग नोट्स भी लिखते चलेगा। जो हिजरी संबंध था ये 622 AD था, मान ईस्वी था, 622 में हिजरी संवत प्रारंभ होता है। हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना जाते हैं उनकी याद में हम हिजरी संवत बनाते हैं, इसे हिजरत कहा गया। इसे क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। अब यहाँ पे हिलाई, ये हिजरी संवत के बाद इलाही संवत आता है, ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि यह कुछ लोग इसी को हिजरी को ही इलाही संवत कहते हैं, जबकि इलाही संवत जो है ये मुगल बादशाह अकबर ने शुरू किया था। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने इसको शुरू किया था। इन रट लीजिएगा, देखिए शिवाजी के राज्यारोहण के समय राजसक शुरू किया गया था। कौन सा राजसक? ये कब से? ये 673 से, 1673 से। तो यहाँ याद रखेंगे, ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपके परीक्षा में आने वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे। देखिए ईसा मसीह का जो जन्म होता है, कोई प्रश्न आए शायद आपके मन में आया होगा, एक होता है 0, ये ईसा मसीह का जन्म है, माने 0 होता है, ये 0, ये है ईसा मसीह का जन्म, इसे माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। इसके इधर जाएंगे तो एडी आएगा, जिसे हम ईस्वी कहते हैं। इसके बाएं तरफ आएंगे तो ये एडी बीसी होगा, बिफोर क्राइस्ट, इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, याद रखिएगा। इधर आएंगे ईसा पूर्व, इधर आएंगे ईस्वी, 0 के दाएं तरफ जाएंगे ईस्वी और बाएं तरफ आएंगे ईसा पूर्व। क्लियर? क्या अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछेंगे, यहाँ पे आपके सभी प्रश्न का जवाब आपको लाइव मिलेगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि नोट्स बनाते चलिएगा, वरना आप ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर आपने पढ़ाया और मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मेरे पास ज्ञान है मैं चाह रहा हूँ कि उसका भंडार आप तक सकुशल पहुँच सके ना। मेरे द्वारा जो ज्ञान आप तक पहुँचेगा मुझे इस बात की काफ़ी खुशी मिलेगी। स्क्रीनशॉट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ऊपर बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत को मैंने बता दिया, यह है 58 BC मान 58 ईसा पूर्व। ये मालवा के शासक राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चला जाता है, इसे हम मालवा संवत भी कहते हैं। इसका एक नाम और है मालवा संवत के नाम से जानते हैं। शक संवत ये 78 AD है ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, शक संवत है। हिजरी संवत ये 622 AD। तो मैंने यहाँ पे चारों प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या कर दिया। क्लियर? क्योंकि वो प्रश्न ये सिलेक्टेड टॉपिक है जहां से आपके परीक्षा में सीधे हुबहू प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर आप गलती करते हैं, यहां से अगर अंक नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है या आपकी समस्या है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया है। चलते हैं अगला। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ, थोड़ा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अभी मैंने बताया ये ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, क्योंकि हम लोग लिखते हैं 78 AD, ईसा के बाद को एडी कहते हैं और पहले को हम बीसी कहते हैं, ठीक है।
किसी के मन में अब कोई सवाल, कोई डाउट नहीं है ना? चलते आगे बढ़ते हैं, एकदम रट लीजिए, परीक्षा वाले प्रश्न हैं। ये ईसा से 1858 पूर्व को विक्रम संवत कहते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? विक्रम संवत हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शक पंचांग का पहला मास क्या होता है? शक पंचांग का पहला मास क्या होता है, पहला महीना क्या होता है? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पे देख रहे हैं। जवाब दीजिएगा। ठीक, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके सभी लोग, एकदम इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसका जवाब भी जानते हैं। अरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे आपके, लोगों तक पहुंच जाएगा। देखिए अगर शक पंचांग का अगर प्रथम मास की हम बात करें, ये है चैत। चैत को वैसे हम आम बोलचाल की भाषा में अप्रैल कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर शक पंचांग का हो, आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। पहले चैत तो होता है, चैत के बाद किसी को पता है? सभी लोग चैत, वैशाख, ठीक, फिर ज्येष्ठ, फिर अषाढ़, फिर श्रावण को हम सावन कहते हैं ना, सावन, फिर भाद्र, इसे भादों के नाम से जानते हैं, अश्विन, फिर कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष इसे पूष कहते हैं, पौष, माघ, फागुन, ये हैं आपके हिंदी महीना के नाम। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, आपकी इच्छा, ठीक। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। सावन के बाद भाद्रपद है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मिटाकर, इसे भादो कहते हैं, थोड़ी मेरी राइटिंग गड़बड़ है, ये होता है भाद्रपद, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ। एक छोटा सा सवाल है आपके सामने, कह रहा है कि हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से क्या उल्लेख मिल रहा है? हो सकता है कुछ लोगों का सवाल पहली बार नया मिला हो, तो मैं आपका समय नहीं लूंगा यहां पर। वासुदेव का क्या होगा? वासुदेव, ये हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियालिडिक्स का राजदूत था, जिसने वेशनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज का स्थापना की था। इसने क्या किया था? वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना किया था। क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, जो नए टाइप के प्रश्न है उसमें का ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आर्यभट्ट, नागार्जुन, बरामिहिर, चरक,
आप लोग को इनका नाम जरूर बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना विकल्प है आप इन सभी विकल्पों के बारे में जवाब देंगे और सारे विकल्पों के बारे में, इन सारे किताबों के बारे में जरूर जवाब देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। क्या आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्र तक नहीं शेयर करेंगे? देखिए, आइए एक एक करके बात करते हैं। चिकित्सा साथ की बात करें तो आयुर्वेद में मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य, जिन्होंने चरक संहिता क्या लिखा था, चरक संहिता लिखा था। ये किसके, ये चरक संहिता किसने लिखा? मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य, इन्होंने क्या लिखा, चरक संहिता। ये क्या थे, कनिष्क के राजवैद्य। कौन, चरक। इन्हें भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश माना जाता है, इन्हें भारतीय आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वराहमिहिर की प्रमुख रचना, आर्यभट्ट की प्रमुख रचना, ठीक, दूसरा नागार्जुन की प्रमुख रचना, ये ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। भारतीय आयुर्वेद का जनक चरक को माना जाता है, इसे शिक्षा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। इनकी ग्रंथ चरक संहिता थी। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग जवाब देते रहिएगा। अश्वघोष किसकी है, वराह मिहिर को वराह क्यों कहा, इनका नाम मिहिर था, इनमें वराह क्यों जुड़ा, इस पे इसके पीछे भी कहानी है और लॉजिक है, ठीक। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूं यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे, ठीक। कोई दिक्कत, समस्या, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बताइए जल्दी से, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग, बताइए जल्दी कमेंट करके सभी लोग। बस चरक, मनु किसके दरबारी थे, मनु किसके दरबारी थे, जवाब जरूर दीजिएगा, बाकी ऊपर मैंने बता दिया था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने कला किसने खोजा? देखिए, कागज बनाने का श्रेय किसको जाता है, चीनियों को जाता है, चीन के लोगों को। आधुनिक पेपर की खोज, आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया खोज जिंग झोंग ने की थी। आधुनिक पेपर की खोज ये परीक्षा में हो सकता पूछ लेते, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, जिंग झोंग, क्या होगा, जिंग झोंग, याद है क्या होगा, जिंग झोंग इस प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अगला सवाल है कि कौन दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की संरचना सहायता प्रदान की, भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्त्री, यूनानी एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी, बताइए जल्दी से क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, क्या आप लोग जवाब नहीं देंगे क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा,
यार देखिए, मैं इसलिए प्रश्न छोड़ता हूँ ताकि आप लोग उस प्रश्न का जवाब खुद से दें, स्वयं से दें। जब स्वयं से देंगे, खुद से देंगे, तभी हम और आप बेहतर स्कोर कर पाते हैं। दो सभ्यताओं ने गांधार कला की रचना में सहायता प्रदान की। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। आइए आराम से देखते हैं। यहां होगा भारतीय एवं यूनानी। काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया है, डी। इसके बारे में जान लेते हैं कैसे। देखिए, दूसरी शताब्दी के बाद उत्तरी पश्चिमी ईसापुर की बात करें तो यूनानी और भारत में संपर्क में लगे। भारतीय यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई है। कौन सी कला? गांधार कला शैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। विक्रम संवत अशोक संवत में कितने वर्ष का अंतर ही मैंने लिखाया है, ये मैंने पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं अब आपके में किसी प्रकार का कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जी हाँ, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, कैसे बताइए। कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया, ध्यान से देखिएगा। ये है एक है जीरो, जीरो से पहले ईसा पूर्व में जाएंगे तो जो विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत ये कितना है, ये ध्यान से सब लोग पढ़िएगा। जो विक्रम संवत है ये कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, ये लगभग 58 ईसापुर, कहीं कहीं 57 भी मिल जाता है ईसापुर। दूसरा देखा जाए तो कौन संवत होता है, शक संवत, ये शक संवत है, ये हो जाएगा शक संवत। ये कितने पर है, ये 78 पर है। तो 58 प्लस 78 लगभग 135 वर्ष। कितना होगा एक, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आएंगे, लेकिन ईसा पूर्व है और एक ईस्वी है, ये क्या एडी है, ये क्या एनोडामनी है, अर्थात कहीं कहीं आपको 136 होगा, 135 या 136। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत देंगे और देने का प्रयास भी करेंगे। बताइए कमेंट करके सभी लोग। चलते हैं आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया सबको, कितने वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, यहां से लेकर यहां तक आएंगे ना, इतने 78 और 58 136 वर्षों का अंतर है। जैसे -5 और 7 के बीच में कितना अंतर है, तो -5 को 5 लिखेंगे, 5 प्लस 7 कितने का अंतर है, 12 का। अगर कोई प्रश्न आ जाए कि -5 और 7 में कितने का अंतर है तो क्या होगा, क्लियर हुआ, ध्यान से बताइए कि -5 और 7 में कितने का अंतर हुआ, इसका अंतर होगा 12 का। इन दोनों के बीच में क्या होगा, 12 का अंतर होगा। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक, बढ़े आगे या हो गया आप लोग का, क्लियर हुआ। चलो चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि रेस के घोड़े, देखिए कोई भी समझ में ना आए, एक नहीं 1000 बार पूछिएगा, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक ये आश्वस्त ना हो जाए कि हाँ अब आप सिलेक्शन के एकदम नियर अबाउट हैं, एकदम नजदीक हैं, अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तब तक हम आपको बताएंगे। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला, कनिष्क की राजधानी क्या थी। कनिष्क का शासन काल अगर हम देखें तो ये 78 से लेकर 105
एनोडोमनी तक था। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी, एक प्रसिद्ध शासक था। इसने अपने राज्यारोहण के समय में शक संवत शुरू किया, चीन से युद्ध करता है, ये बौद्ध धर्म का संपोषण संरक्षण किया। इसकी पहली राजधानी पेशावर पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। ध्यान दीजिएगा, पहली राजधानी पेशावर, इसे पुरुषपुर कहते हैं, इसे पुरुषपुर कहते हैं। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी, पहली और दूसरी। अब आपको यह बताना है इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या हो। कश्मीर को जीतकर उसने कनिष्कपुर नगर बसाया और वहीं पर वह चतुर्थ बौद्ध संगीत का भी आयोजन करता है। यह पहली राजधानी है, द्वितीय राजधानी है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। तब इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, पहली राजधानी और यह दूसरी राजधानी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तब डी। इसके समय में पार्स बसुमित्र अशोक अश्वघोष नागार्जुन चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क के दरबारी थे। वो कला संस्कृति का महान संरक्षक था। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। किसको? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं। कनिष्क के उत्तराधिकारी वशिष्ठ हुविष्क तथा वासुदेव थे। ये महास्थान बोगरा तथा मथुरा से कनिष्क की एक प्रतिमा मिली जिसमें वो घुटने तक चोगा एवं पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। मथुरा एवं गांधार कला का जन्म इसी के समय हुआ था। यह भारत के कनिष्क कला और संस्कृति का महान संरक्षक भी यह माना जाता है। क्लियर? हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीत इसी समय हुआ था क्योंकि वहां पे कश्मीर जीतकर यह कनिष्कपुर नगर वहीं बसाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट करिएगा, लिखते चलिएगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? आप भी देखते होंगे चीन से लेकर काफ़ी विवाद रहता है, विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसलिए मैंने आपसे छोटा सा प्रश्न पूछ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, बताइए कमेंट करके। यार वीडियो को सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कनिष्क, कि मैंने बताया ये चीन को जीतता है, चीन से ये युद्ध किया। कुषाणों ने चीन से ईरान तक पश्चिमी एशिया तक वाले रेशम मार्ग के अपने नियंत्रण रखा, उसके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, इसे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिए के रूप में भाग लेना प्रारंभ किया और फिर आगे चलकर उत्तर पश्चिमी भारत पर एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक, आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। टॉपिक से बाहर अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा सिवाय एशियन हिस्ट्री, उसमें भी कौन सा टॉपिक आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, मौर्योत्तर भारत। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। अब इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, सभी लोगों ने मिलकर सबसे ज्यादा कला। अभी हम लोगों ने पढ़ा कुषाण काल में कला सबसे ज्यादा विकसित हुई, गांधार कला का विकास इसी समय हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह बौद्ध मतानुयायी था, यह अशोक की भांति धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को द्वितीय अशोक बताया गया है। अभी मैंने इसके जस्ट ऊपर प्रश्न में व्याख्या या प्रश्न में पूछा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? आगे हम लोग पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, सभी के बारे में पढ़ेंगे।
अगला है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें चलाई। देखिए ऑनलाइन क्लास से नोट्स के संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इलनी भी दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद के सिराजहन से मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में चलाया जाता है। चलते हैं आगे क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे होते हैं। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहरें चलाई। थैंक यू। यहाँ पे देखिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कुषाणों के शासनकाल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आगे इसके बारे में बात करता हूँ कि कुषाणों के शासनकाल में सबसे ज्यादा सिक्के चलाए गए, इंपॉर्टेंट है और आपको इसका उत्तर भी पता होना चाहिए। कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था जो एशिया के अल्टाई पहाड़ों और रोम से प्राप्त था, और स्वर्ण सिक्के का प्रारंभ कुषाण शासक विम प्रारंभ किसने किया था विम कटविशेष ये कुषाण शासक था। कनिष्ठ समय भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा। कुषाणकालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट थे, सबसे शुद्ध सिक्के थे, सबसे शुद्ध। स्वर्ण के सबसे शुद्ध सिक्के, ठीक है। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्लियर, कोई डाउट। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए अशोक, खारवेल, अजातशत्रु, जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, कौन हुआ? यार कमेंट करिए, खारवेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खारवेल। हाथी गुंफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल जो था ये चेदी वंश का था। खारवेल किस वंश का था? चेदी वंश का था। इसका कहां से पता चलता है? हाथी गुंफा अभिलेख से। हाथी गुंफा अभिलेख से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खारवेल को महाराज, महामेघवाहन, कलिंगाधिपति कहा जाता है। ये जैन धर्म का संरक्षक था। किसका? जैन धर्म का। ये जैन धर्म का संरक्षक था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम याद रखिएगा, रट लीजिएगा खारवेल को, और नाम से जानते हैं खारवेल के उपनाम। आइए इसको उपनाम जानते हैं, महाराज इसका उपनाम था, महामेघवाहन, महामेघ वाह इसका उपनाम था, कलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति ये क्या था? इसके उपनाम थे जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको हर हाल में नौकरी करनी है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार कहने से नहीं बल्कि मेहनत करने से होगा, अपना बेस्ट देने से होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए अशोक, खारवेल, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। ठीक, कमेंट कर बताइए। देखिए निम्नलिखित वंश क्रम को सजाएं, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, क्या होगा इसमें आपके हिसाब से? आइए मैं इसको समझा देता हूं। अगर मैं मौर्य की बात करूं, ये कब से कब था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व। फिर शुंग वंश आता है, शुंग वंश ये इसके तुरंत बाद 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व। कुषाण 20वां ईसा पूर्व है, मैंने बताया ना, 58 ईसा पूर्व से लेकर 174, ध्यान दीजिएगा, 58 ईसा पूर्व से लेकर 174 एडी। फिर गुप्त आता है 319 से लेकर 550 एडी। अब आप क्रम से सजाइएगा और आप बताइए कि निम्नलिखित में से आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। चलिए अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आप उत्तर बता लेंगे ना? जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आप लोग इसी तरह हरकत करेंगे तो जो लाइव में चैट करें उनको हम बाहर कर देंगे, टेक्निकल टीम। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त इसने शासन काल देखा जाए तो 319 से लेकर 335 एडी तक था, एनो डोमिनी। ठीक, यहाँ पे वास्तविक संस्थापक की बात का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग प्राय परीक्षा में गलती कर देते हैं कि यहाँ पे गुप्त साम्राज्य कहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, गुप्त वास्तविक संस्थापक। अगर केवल संस्थापक पूछता तब, केवल संस्थापक पूछता तब श्रीगुप्त, तब श्रीगुप्त, याद रखिएगा, तब श्रीगुप्त होता। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने महा राजा धीराज उपाधि ग्रहण की थी। रट लीजिएगा, गलती मत करिएगा। यहां पे वास्तविक है, ये संस्थापक है। ठीक, 240 से 280। कोई दिक्कत किसी, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो 375 से 415 तक था, 375 से ये 415। समुद्र गुप्त की बात किया जाए तो समुद्र गुप्त जो था 350 से 375। ये राजा धीराज पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, कविराज, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, स्वयुद्धों का विजेता कहा जाता है।
देखिए गलती परीक्षा में मत करेगी, हाँ गलती हो जाए चलेगा, ठीक है, इससे बाहर आके परीक्षा में नहीं आएगा जितना मैं आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ा। इनके बारे में अगर कहेंगे तो इनके बारे में ही बता दूंगा। देखिए अगर हम जो श्रीगुप्त था वो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक, लेकिन आगे चल करके करके इनके बारे में जानते रहेंगे। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अब यहां पे इस प्रश्न का उत्तर श्रीगुप्त होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? श्रीगुप्त होगा। यह वास्तविक संस्थापक था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग जानते रहेंगे तो परीक्षा हाल में गलती नहीं होगी। एक सामंत राजा था श्रीगुप्त, उन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। इन्हीं के नाम से ही आगे इस वंश को गुप्त वंश कहा जाने लगा। देखिए कितना अंतर था ये परीक्षा में। छोटी छोटी गलती परीक्षा में करेंगे तो आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? देखिए सभी क्लास के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार समुद्रगुप्त को कहते हैं। जी हां, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। यह आर्यावत के 12, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया था। इसे अच्युत, नागसेन, गणपति प्रमुख थे। इसे धर्मविजय की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किससे संबंधित थे? सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। ये था गुप्त वंश का, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह सर्वाधिक प्रतापी शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसने लगभग 40 सालों तक शासन किया था, ठीक। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तभी जस्ट मैंने बताया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये शकों पर विजय के बाद, किस पर? शकों पर विजय के बाद, शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण किया था। चांदी के सिक्के भी जारी किए। उन्हें विक्रमांक, विक्रमादित्य तथा परम भगवत थे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल, गुप्त काल में भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति काफी अच्छी थी। चारों तरफ शांति का माहौल था। कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हुई थी, इसलिए गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक। क्लियर, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न है,
कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ जो शुद्ध लोहा से बना है किस राजा ने बनवाया था? इसे हम मेहरौली, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेहरौली का स्तंभ कहां पर है? ये दिल्ली में है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। राजा कौन सा? चंद्र नामक राजा का वर्णन है। चंद्र नामक राजा का वर्णन है मेहरौली के लौह स्तंभ का, जो इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए, आपके नौकरी के लिए सबसे ज्यादा। अगला था, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? पण, कास्पण, दिनार, रूपक। जी हाँ, इसे रूपक कहते थे। इसका निर्माण छत्रप सिक्कों की तरह किया गया था। इस सिक्कों का वजन रूपक सिक्कों का वजन कितना था, किसी को पता है? 30 से 35 ग्रेन, 30 से 35 ग्रेन तक होता था। ठीक है, ये 30 से 35 ग्रेन तक होता था। क्लियर। वराहमिहिर क्या थे? इनका नाम मिहिर था, बाद में बरहा जुड़ा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। ये खगोलविद थे। खगोल शास्त्र पर इन्हें प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका अगर ग्रंथ देखा जाए तो इसमें कौन सी थी, इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो क्या था? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत संहिता। अगर बृहत संहिता की बात की जाए तो इसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक इतिहास, इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अरे बराह माने शुअर होता है। ठीक है, जंगली शुअर, एक राजा के बच्चे को जंगली शुअर से जान बचाई थी, इन्हें बराह की उपाधि मिली थी। बराह की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब बताइए उस राजा का नाम, किस राजा के बच्चे को उन्होंने जंगल में सुअर से, जंगली सुअर, जंगली सुअर से बचाया था। ठीक है, चलिए एक ऊपर प्रश्न था, मैं उसके बारे में बता दूं। यहां पर है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, कुछ लोग सोने के सिक्के पढ़ रहे हैं,
चांदी का सिक्का रूपक था। ठीक, यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो जाएगी। सभी लोग ध्यान से पढ़ लें, आज की आखिरी क्लास है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप इलर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर छोड़ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है, आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप सब देसी घोड़े हैं। मेरी क्लासें निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में होती है। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग पे दुर्गेश। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहयान चीन का निवासी था। ये होगा इसका उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे ही कहते हैं। यह 399 ईस्वी में भारत आया था और लगभग 414 तक भ्रमण किया भारत में। उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, बुद्ध के चरण चिन्हों को, पवित्र स्थानों को देखा। ठीक, इस प्रकार एक प्रश्न आ रहा है किसी का, मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई, तो भैया जो जानते हैं वो जवाब दे दें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, हो सके तो इसका नोट्स बना कर लीजिएगा, क्योंकि हमने ऊपर सभी बातों का स्पष्ट रूप से बताया। फाहयान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, एक चीनी यात्री था, बौद्ध ग्रंथों को देखकर उसने अध्ययन की लालसा से फाहयान भारत आया था। फाहयान मध्य भारत की यात्रा की और उसने मध्य देश कहा, यहाँ उसने विस्तृत विवरण भी दिया। सिंधु नदी को पार कर गांधार, तक्षशिला, पेशावर आदि जगहों का उसने भ्रमण किया। फाहयान ने शूद्र को चांडाल कहा, इसका विवरण देने वाला वो पहला विदेशी यात्री था। पाटलिपुत्र के अशोक के महल को देखकर उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया। फाहयान ने नालंदा, राजगिरी, बोधगया, पाटलिपुत्र, वाराणसी की यात्रा की, जो काफी महत्वपूर्ण रहा। नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास, धनवंतरी, क्षणपणा, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटक पर, बरामिहिर, बररुचि, तो वरामोही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। ऊपर मैंने प्रश्न पूछा था। ठीक, छोटा सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं कि फाहयान की पुस्तक का नाम क्या था? भाई कोई जवाब दे दे कि हमारी नियुक्ति कहां हुई, किस जिले में हुई है। और कोई सवाल किसी का, और किसी को अगर पता हो तो जवाब दे देगा। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। अगर ऐसी क्लास यूट्यूब पर मिल जाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य आपका एक नोट्स बन जाए। एक प्रश्न आया है रेहला, तो रेहला फाहयान की पुस्तक का नाम नहीं था, इब्न बबूता की पुस्तक का नाम था रेहला। ठीक है, रेहला, रेहला पुस्तक किसका था? इब्न बबूता का था, मोरक्को का शासक था, और तुगलक वंश में उसका आगमन हुआ था। ठीक है, जी हाँ, जौनपुर के सिराजे हिंद में। चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं। सारी क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर रखिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग पर। बाय बाय। चलिए, इंडिका मेगास्थनीज की है। ठीक है, हाँ, आप लोग ऐसे डिस्कस करते रहेंगे तो बहुत सारे सवाल आपके खुलकर आ जाएंगे। ठीक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।